अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम वीडियो बना रहे हैं दूसरा हफ्ता और दूसरा दिन। इसमें आपको क्या करने हैं, सवाल जवाब करने हैं। सफा नंबर 40 पे जो है, 40 पे जो है सवाल जो है वो लिखे हुए हैं। आपने पहला सवाल जो है वो मैं आपको खुद करवाऊंगी कॉपी में, और जो दूसरा है वो आपने खुद से करना होगा। तो कॉपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरा हफ्ता दूसरा दिन, सवाल जवाब जिस तारीख पे काम करें वो लिखिएगा, और यहाँ लिखिएगा घर का काम। ठीक है, पहला सवाल पढ़ लेते हैं। बाग का नजारा अपने अल्फाज में बताएं, यानी बाग में जो जो आपने देखा वो आपको अपने अल्फाज में बताने। बाग में आपने क्या क्या देखा था कि जब हम बाग में गए तो वहां पे दरख्त जो है वो कितार से लगे हुए थे, और उसके अंदर आम और अनार के दरख्त भी थे। इसके अलावा बहुत से फूल खिले हुए थे, जिसमें गेंदा, मोतिया, गुलाब वगैरह और चमबेली के फूल थे। इसके अलावा बाग में इस तरीके से घास बिछी हुई थी जैसे कि मखमल हो। ठीक है, अब ये इतनी जो बात है इसको हमने दो तीन जुमलों के अंदर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट्स में लिख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं बाग में दरख्तों की, दरख्त जो थे वो कितार से लगे हुए थे। इस तरह लिख लेते हैं, बाग में दरख्त कितार से लगे हुए थे। ठीक है, उसमें आम और अनार के दरख्त भी थे, दरख्त भी थे। मुख्तलिफ खूबसूरत फूल खिले हुए थे। बाग में हर तरफ क्या थी, घास जो है वो मखमल की तरह बिछी हुई थी। बाग में हरी घास लिखनी, ठीक है, हरी हरी घास, हरी हरी घास बिछी हुई थी। सॉरी, बिछी हुई नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे घास जो थी वो उगी हुई थी या लगी हुई थी, उगी लिख लेते हैं, क्योंकि मखमल की तरह तो वो बिछी हुई थी तो घास के लिए उगी ही आएगा। बाग में हरी हरी घास उगी हुई थी जो मखमल की मानिंद थी। ठीक है, मखमल की मानिंद कहते हैं जैसे कि उसकी तरह लग रही थी। ठीक है बेटा, ये पहला सवाल आपने करना है, उसके बाद आपने दूसरा सवाल जो है ये खुद लिखना है। आपने नजम में किन फूलों के नाम आए हैं, तो कौन कौन से फूलों के नाम आए थे, गेंदा, मोतिया, गुलाब, चमबेली। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नजम में गुलाब, गेंदा, मोतिया और चमबेली के फूलों के नाम आए हैं। ठीक है बेटा, जजाक अल्लाह।